नमस्कार, मैं दिबांजलि मोइत्रा। खतरनाक कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि मोदी सरकार की समय से पहले सक्रियता की वजह से भारत में अभी इसका असर इटली, ईरान, चीन, अमेरिका जैसे देशों की अपेक्षा काफी कम देखने को मिल रही है। इस मुश्किल समय में सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभा ही रही, देश का आम नागरिक भी अब कोरोना से बचने के लिए सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहा है। स्टेज टू में पहुंचे कोरोना वायरस को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन से हालात बन गए। मॉल से लेकर मंदिर तक सब कुछ बंद है, तो वहीं खुद को बचाने के लिए लोग मास्क का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बाजार में मास्क और सैनिटाइजर की मांग भी बढ़ गई, जिसे पूरा करने के लिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के जेलों में बंद कैदियों ने भी मेहनत करनी शुरू कर दी। केंद्रीय कारागार में बंद गंभीर से गंभीर अपराधों के आरोपी जेल में धड़ाधड़ सिलाई मशीन चलाकर तेजी से मास्क बना रहे, जिससे समय रहते ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मास्क पहुंचाया जा सके। 1700 कैदियों वाली इस जेल में कम से कम 16 कैदी इस काम में लगे हुए हैं। इन्हीं में से एक कैदी एजाजुद्दीन भी मास्क लगाकर मास्क बनाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि महामारी बहुत फैली हुई है, इसीलिए हम लोगों के लिए मास्क तैयार कर रहे हैं। मेरा नाम है एजाजुद्दीन। एजाजुद्दीन भाई, क्या बना रहे हैं और वजह क्या है बनाने की? मैं मास्क बना रहा हूँ, क्योंकि महामारी बहुत फैली हुई है, तो इसलिए हम लोगों की 16 लोगों की टीम है, वही बना रहे हैं मास्क। क्या सुना था आपने? कि कोरोना फैला हुआ है चारों तरफ, इस वजह से हम लोग मास्क बना रहे हैं यहाँ। तो किस तरीके का मास्क बना रहे हैं, क्या क्या से बना रहे हैं? सबसे अच्छी क्वालिटी है मेरी यहाँ की। अच्छा जी। वाराणसी सेंट्रल जेल के डिप्टी जेलर धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि अभी 15 से 16 बंदी मास्क बनाने में लगे हुए, जो करीब 500 मास्क बना चुके हैं। ये कैदी एक दिन में करीब 150 मास्क तैयार कर लेते हैं। डिप्टी जेलर ने बताया कि आगे और भी कैदियों को इस काम में लगाया जाएगा। जेल में बनने वाले मास्क कैदियों को तो उपलब्ध कराए ही जाएंगे, साथ ही बाकी जेलों में भी सप्लाई किए जाएंगे। की वजह कितने कैदी हैं, कितने मास्क बना रहे हैं रोज? देखिए, अभी हमारे यहाँ 15 से 16 बंदी इसमें इन्वॉल्व है मास्क बनाने में, और तकरीबन 500 के आसपास मास्क बन चुके हैं, और हमारे यहाँ लगभग 1700 बंदी, इसलिए हमें और आवश्यकता भी पड़ेगी, और इसे लगे हुए हैं ये लोग, और एक दिन में तकरीबन 150 से 125 के आसपास मास्क बनाए जा रहे हैं। अब चूंकि कोरोना वायरस का इस तरीके से प्रकोप फैला हुआ है, तो ये हाई अलर्ट जैसी स्थिति है, और हम यहाँ से वितरण कराने के बाद 1700 बंदियों हम डिस्ट्रिक्ट जेल पे भी भेजेंगे। वाराणसी की तर्ज पर सीएम योगी आदित्यनाथ के गृह जिले गोरखपुर की जेलों में भी मास्क तैयार कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, गोरखपुर जेल में कैदियों से मिलने वाले उनके परिजनों के हैंड वॉश भी कराए जा रहे हैं। उसके बाद अंदर ले जाने वाले सभी सामान को चेक किया जा रहा है। उनको इस बात की भी हिदायत दी जा रही है कि वो अंदर केवल घरेलू सामान ही लेकर जाएं, बाहर से लिया हुआ सामान ना लेकर जाएं, इससे खतरा हो सकता है। जेलों से रिहा किए गए 85,000 कैदी। भारत की जेलों में जहां मास्क तैयार किए जा रहे हैं, कैदियों को कम से कम 1 मीटर की दूरी रखने की हिदायत दी जा रही है, तो वहीं ईरान ने कोरोना के डर से 85,000 कैदियों को ही रिहा कर दिया। जिन कैदियों को रिहा किया गया है, उनमें 50% कैदियों को सुरक्षा कारणों से बंदी बनाया गया था। ईरान के इस कदम को मिडल ईस्ट में कोरोना वायरस से निपटने वाले एक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। ईरान में कोरोना वायरस की वजह से 853 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां कोरोना वायरस के संक्रमण के करीब 14,991 मामले सामने आए। दुनिया भर में तेजी से फैल रहे कोरोना वायरस से अब तक हजारों मौतें हो चुकी है। भारत में अब तक 3 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 150 से भी ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हैं। इस बीमारी से बचने के लिए केंद्र सरकार की ओर से जारी की गई एडवाइजरी को फॉलो करें। कुछ भी खाने से कम 20 सेकंड तक हाथ धोएं, और सर्दी जुकाम खांसी से पीड़ित लोगों से दूरी बनाए रखें। ज्यादा पैनिक ना हो, हाइजीन का खास ख्याल रखें और दूसरों को भी जागरूक करें। नमस्कार मित्रों,
सर एक मिनट सर चाहिएगा। उसका एक और है कि एक मीटर की दूरी तो बड़े वाले हॉल में करें तो गैप छोड़ छोड़ के बैठना चाहिए। नमस्कार मित्रों, आज टोटल 5 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद में चर्चा हुई और उसी के साथ साथ 5 पर चर्चा हुई और उसी के साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कोरोना को लेकर जो एडवाइजरी केंद्र सरकार की तरफ से जारी की गई है उसका अनुपालन शत प्रतिशत रूप से उत्तर प्रदेश में हो ये सुनिश्चित किया जाए और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश वासियों से अपील की है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचें कोरोना से घबराएं नहीं बल्कि सावधान रहें और लोगों को जागरूक करें लोगों को सावधानियां बरतने की हिदायतें दें सलाह दें। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सभी जो पर्यटक स्थल हैं उनको पर्यटकों के लिए 31 मार्च तक बंद करने के आदेश दिए हैं लेकिन वहां पर पर्यटकों की एंट्री बंद की करने के आदेश हैं लेकिन वहां पर साफ सफाई लगातार होती रहे ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिशा निर्देश दिए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जो स्कूल और कॉलेज हैं जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं बेसिक माध्यमिक और हायर जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं उन सबको 2 अप्रैल तक बंद करने के आदेश दिए हैं। साथ ही साथ प्रदेश के सभी सिनेमाघर मल्टीप्लेक्स साथ ही साथ जो अन्य जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं वो अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं माध्यमिक या उच्च की उनको भी सबको स्थगित किया गया है। तहसील दिवस जनता दर्शन समाधान दिवस इनको भी 2 अप्रैल तक बंद किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिलाधिकारियों को ये दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सभी जिलों के अंदर पोस्टर और बैनर लगाकर जागरूकता के अभियान को और तेज किया जाए स्थापित करें और सबसे अपील करें सबका सहयोग लें कि जो महामारी है इससे हम अपने प्रदेश को कैसे बचाएं उसमें सभी का सहयोग बहुत ही आवश्यक है। हमारे देश में अभी स्टेज 2 में
कोरोना वायरस की स्थिति है और स्टेज थ्री हमारे यहां ना हो, इसके लिए ये अभियान तेज गति से चले, ये अपेक्षा माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक और अहम फैसला लिया है, क्योंकि जिस तरह से ये सभी जो गतिविधियां हैं इन पर रोक लगाई गई है, तो जो गरीब है, जिसको हर दिन वो रोजी रोटी के लिए निकलता है, उसको कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में माननीय कृषि मंत्री जी और माननीय श्रम मंत्री जी, ये तीन लोगों की एक कमेटी बनाई है, तो गरीबों का भरण पोषण सुनिश्चित हो, उसके लिए ये कमेटी तीन दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत करेगी और उसके आधार पर ये जो सभी हमारे जो गरीब लोग हैं, जो हर दिन कमाते हैं, हर दिन खाते हैं, उनके खाते में आरटीजीएस के माध्यम से कुछ अमाउंट ट्रांसफर हो, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी मंशा प्रकट की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि प्रदेश के अंदर कहीं पर भी कोरोना से ग्रस्त कोई भी मरीज हॉस्पिटल में है, उनका पूरा इलाज मुफ्त में किया जाएगा, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई सरकारी या गैर सरकारी कार्मिक है तो उनकी तनख्वाह भी उनको लगातार मिलती रहेगी, उसमें कहीं कोई कटौती नहीं होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी आदेश दिए हैं कि जो प्राइवेट जो फर्म है उनमें जो काम करने वाले लोग हैं वो घर से ही अपना काम करें, और सरकार में जो काम करने वाले लोग हैं उनके लिए एक चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी बनाई है, जहां सुविधा है वहां वो लोग अपने घर से ही काम कर सके। प्रदेश में सभी तरह के धरना प्रदर्शन, इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा है और हम सब लोग मिलकर इस महामारी से अपने प्रदेश को बचाएं, ये भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सब प्रदेशवासियों से अपील की है। आज के जो मद हैं, मैं माननीय सिद्धार्थ जी से अनुरोध करूंगा कि एब्सोल्युटली मैंने बहुत स्पष्टता से कहा है कि सभी तरह के जो परीक्षाएं चल रही हैं उन सबको स्थगित किया गया है। एक बार माननीय सिद्धार्थ जी अपना जो मत है उन पर बिल्कुल उसी के लिए मद्देनजर एक कमेटी तो इसलिए बनाई है ना मित्र, तीन दिन में रिपोर्ट आएगी उसकी। कृषि मंत्री, श्रम मंत्री, वित्त मंत्री की अध्यक्षता में